है और आप कन्विंस करने के बाद भी कस्टमर नहीं मानता है, तो आपको क्या करना होगा, पोर्ट आउट की प्रोसेस बतानी होगी। पोर्ट आउट की प्रोसेस बताने के लिए कस्टमर को सबसे पहले बोलना होगा, कैपिटल लेटर पे PORT पोर्ट लिखें, स्पेस देकर मोबाइल का नंबर 10 अंकों का, और सेंड करना होगा 1900 पर। इसमें 1900 पर, जिसमें से ₹1 SMS का चार्ज लगेगा। मैसेज के रिप्लाई में आपको उसी नंबर से मैसेज का रिप्लाई आएगा, जिसमें UPC कोड मिलेगा, यूनिक पोर्टिंग कोड 8 डिजिट का होगा, और उस यूनिक पोर्टिंग कोड की वैधता जो होगी वो 15 दिनों की होगी। आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, आप जाने के लिए उस कंपनी के स्टोर पे आपके जो जो दस्तावेज हैं वो जमा करें। दस्तावेज जमा करने के बाद 7 दिनों का टाइम लगेगा, 7 दिनों के प्रोसेस में आपका नंबर पोर्ट आउट हो जाएगा। इसके साथ आपको ध्यान देना होगा सर, आपके नंबर पे पिछला कोई बकाया राशि हो तो वो नहीं होना चाहिए। किसी भी एक कंपनी में आपका वर्तमान कंपनी में, जिस कंपनी में हैं आप, उसमें 90 दिन होना पूरा अनिवार्य होगा। यदि कम होते हैं तो आप पोर्ट आउट नहीं करा पाएंगे, और आपके पास जो बैलेंस बचा होगा वर्तमान में वो समाप्त हो जाएगा, यदि आप कोई दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं। जानकारी को समझ पाए हैं?